तो जबरदस्त हंगामे के और विवाद के बीच राज्यसभा में दो किसान बिल पास हुए हैं। कृषि बिल का सीएम योगी ने स्वागत किया है। सीएम ने कहा है कि दोनों विधेयक किसानों के लिए हितकारी हैं और अब किसानों को कानूनी बंधन से भी आजादी मिलेगी, किसानों को उपज की पूरी कीमत मिलेगी। इसके साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि दोनों विधेयक से कृषि के क्षेत्र में एक नए युग का आरंभ हुआ है। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी ने किसानों के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया। तो कृषि बिल का सीएम योगी ने स्वागत किया है। कृषि के क्षेत्र में नए युग का आरंभ हुआ है, ये बात मुख्यमंत्री की तरफ से भी कही गई। और किसान बिल जब राज्यसभा में पास हुआ उस वक्त कैसे हंगामे की स्थिति वहां पर बनी, क्योंकि आज विपक्ष ने इस पर जमकर विरोध किया, वेल में आकर के भी विरोध किया गया और साथ ही साथ जो रूल बुक है उसको भी फाड़ा गया डेरेक ओब्रायन की तरफ से। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राज्यसभा में आज के हंगामे की। और इस बिल के पास होने के बाद कृषि क्षेत्र में नए युग का आरंभ हुआ है, ये बात मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई। वहीं गाजीपुर में पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अजीबोगरीब बयान दिया है। यूपी में पूर्व मंत्री और सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बयान दिया कि सदन में 90% पागल बैठे हैं। ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर के चंदनवाहा इलाके में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन में जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की जमकर धज्जियाँ उड़ी, तो फिर वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राजभर ने बीजेपी को भारतीय झूठ पार्टी बताया। उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी के लिए भी विवादित टिप्पणियाँ की। तो बस्ती से रुधौली विधानसभा के बीजेपी विधायक संजय जायसवाल ने अपनी ही सरकार पर बड़ा सवाल उठाया है। आरोप है कि जिस सरकार में भूमाफियाओं से निपटने के लिए एंटी भूमाफिया टास्क का गठन हुआ है, उस सरकार में किसकी शह पर करोड़ों की जमीन पर कब्जा हो रहा है। मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर विधायक ने खुलासा किया है कि बजाज ग्रुप की अठदमा शुगर मिल ने उनके इलाके में सरकार की 60 बीघा जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है और पिछले 14 साल से उस जमीन पर गेस्ट हाउस सहित खाद का प्लांट भी चल रहा है। अब विधायक संजय जायसवाल का यह भी आरोप है कि अगर कोई आम या फिर गरीब आदमी सरकार की एक जमीन पर कब्जा करता है तो फिर उसके खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाती है, लेकिन ये किसकी शह पर सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा हो गया और राजस्व विभाग के जिम्मेदार आंख बंद करके सब कुछ देखते रहे। पूरी जमीन को जो नवीन परती की जमीन है, नवीन परती की जमीन लगभग 4 हेक्टेयर है, उस 4 हेक्टेयर भूमि पर इन्होंने ये अपना प्लांट बना रखा। नवीन परती का क्या मतलब होता है? ये सरकार की भूमि है, इससे बंजर होता है उसी तरह से नवीन परती की भूमि है, ये भी पूरी तरह से सरकार की जमीन है। इसका क्या एविडेंस है सरकार की जमीन? आज भी खतौनी में ये नवीन परती के नाम से ही निकलता है और ये हमने तहसीलदार साहब को भी, SDM साहब को भी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखित रूप से उसका खतौनी लगाकर साक्ष्य के आधार पर हमने ये पत्र दिया था कि नवीन परती की भूमि पर पूरी तरह से मिल ने जबरदस्ती अवैध कब्जा कर रखा है। गोरखपुर में बदमाशों का आतंक देखने को मिला है, जहां पे बदमाशों ने स्कूटी सवार मां बेटी को गोली मार दी है। गोली लगने से मां की मौके पर ही मौत हो गई है। बेटी को घायल अवस्था में मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। शाहपुर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर बदमाशों का ये जो आतंक है वो देखने को मिला है। गोरखपुर से बड़ी खबर है, बदमाशों का आतंक लगातार जारी है। बाइक सवार बदमाशों ने मां और बेटी को गोली मार दी है। गोली लगने से मां की मौके पर ही मौत हो गई है, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। और घायल अवस्था में इसके बाद बेटों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शाहपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहाँ पर माँ और बेटी को गोली मारने की ये घटना सामने आई है और बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। गोरखपुर में बदमाश किस कदर उनके हौसले बुलंद हैं, ये उसकी भी जीती जाती तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि बाइक सवार बदमाशों ने मां और बेटी को गोली मार दी। गोली लगने की वजह से मां की मौके पर ही मौत हो गई है। बेटी गंभीर रूप से घायल है, जिसको जिला अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है।
ये गोलीकांड गोरखपुर में देखने को मिला है, जहां पर बदमाशों ने मां और बेटी को गोली मारी है। बाइक सवार बताया जा रहा है कि ये बदमाश थे जिन्होंने निशाना बनाया एक मां और बेटी को। इसमें मां की बताया जा रहा है मौके पर ही मौत हो गई है, बेटी की स्थिति गंभीर है, जिला अस्पताल ले जाया गया जहां पर इलाज चल रहा है। ये बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बाइक सवार बदमाशों ने मां और बेटी को गोली मारी है। हालांकि अब ये गोली क्यों मारी गई, इसके पीछे क्या कारण रहा, ये अब तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन घायल अवस्था में बेटों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शाहपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर गोरखपुर से इस वक्त मिल रही है, जहां पर बदमाशों का आतंक गोरखपुर में देखने को मिला है। बाइक सवार बदमाशों ने इस गोलीकांड को अंजाम दिया है। सुशील हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। सुशील बताएं क्या कुछ है पूरा मामला। देखिए आयुष, आपको बता दूं कि शाहपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। शाहपुर थाना क्षेत्र के पानी टंकी के पास का ये पूरा मामला है, जहां पे स्कूटी पे सवार होकर मां और बेटी जा रहे थे, और जैसे ही वो पानी टंकी के पास पहुंचे थे कि अज्ञात बाइक सवार बदमाश आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। दो गोली मां को लगती है और एक गोली जो है उसकी बेटी को लगती है। उसके बाद बदमाश फरार हो जाते हैं। अगल बगल के लोग जब आवाज सुनते हैं तो वहां तक पहुंचते हैं, उसके बाद जो है उसे BRD मेडिकल कॉलेज ले जाते हैं, लेकिन तब तक माँ की मौत हो जाती है और जो लड़की है उसका इलाज चल रहा है और वो अभी फिलहाल उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल जानकारी मिलते ही मौके पर DIG SSP समेत तमाम फोर्स पहुंच गए और जांच में जुट गए कि आखिर वजह क्या थी, कौन लोग थे जिन्होंने इस घटना को पूरा अंजाम दिया है। शुक्रिया सुशील बातचीत और जानकारी के लिए। वहीं खबर सहारनपुर से है, जहां पे तेज रफ्तार ट्रक ने DCF में टक्कर मार दी। उस हादसे में 4 मजदूरों की मौत हुई है, 5 मजदूर घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में ले जाया गया है। मजदूरी के लिए पंजाब ये मजदूर जा रहे थे। थाना तीतरो क्षेत्र के झाड़वन के पास की घटना बताई जा रही है, जिसमें 4 मजदूरों की मौत हो गई है, 5 अन्य घायल हैं और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है। मजदूरी के लिए पंजाब ये मजदूर जा रहे थे, उसी दौरान रास्ते में ही यह हादसा हुआ है। थाना तीतरो क्षेत्र के झाड़वन के पास की घटना बताई जा रही है, जहां पर ये दुर्घटना घटित हुई है। बड़ी जानकारी है सहारनपुर से, तेज रफ्तार ट्रक ने DCM में टक्कर मारी है। वहीं कौशाम्बी में हत्याओं का सिलसिला लगातार जारी है और पुलिस एक घटना का खुलासा नहीं कर पा रही है और दूसरी घटना हो जा रही है। अब ताजा मामला चरवा थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक युवती का बोरे में शव मिला। युवती की हत्या के बाद शव को बोरे में भरकर फेंका गया है। गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका जताई गई। ग्रामीणों ने बोरे में भरा शव देखा तो फिर इलाके में सनसनी फैल गई और ग्रामीणों के द्वारा ही पुलिस को इस मामले की जानकारी दी गई। सूचना पर चायल CO KG सिंह इलाकाई पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो सकी। फिर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस पूरे मामले की जांच में जुट गई। वहीं उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में पुलिस ने एक अवैध शराब फैक्ट्री को पकड़ा है और अवैध शराब की फैक्ट्री से पुलिस ने 36 लाख रुपए की कीमत का सामान बरामद किया है। फैक्ट्री से पुलिस ने शराब बनाने के उपकरण, भारी मात्रा में शराब और शराब बनाने का केमिकल समेत अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस ने अवैध शराब की फैक्ट्री से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पे अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है और गन्ने के खेत में आपको बता दें कि असलाह बनाया जा रहा है। मौके से 8 तमंचे, 3 बंदूक बरामद की गई हैं। शस्त्र बनाने के कई उपकरण भी यहां से बरामद हुए हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और SP ने पुलिस टीम को 10,000 का इनाम भी दिया है। बड़ी जानकारी है, गन्ने के खेत में अवैध रूप से असलाह बनाया जा रहा था, जिसका खुलासा हुआ। मौके से ही 8 तमंचे और 3 बंदूक बरामद की गई, साथ ही साथ शस्त्र बनाने के कई उपकरणों को भी यहां से बरामद किया गया है और पुलिस ने इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। SP ने आपको बता दें कि इस कार्रवाई के लिए 10,000 का इनाम भी पुलिस टीम को दिया है, जिसने पूरे घटना का खुलासा किया है। तो लखीमपुर खीरी से यह बड़ी खबर है, अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ लखीमपुर खीरी में पुलिस के द्वारा किया गया है। बताया जा रहा है कि गन्ने के खेत में यह अवैध असलाह बनाया जा रहा था। पुलिस ने यहां पर दबिश दी, मौके से 8 तमंचे, 3 बंदूक बरामद हुई और शस्त्र बनाने के कई उपकरण भी पुलिस को यहां से बरामद हुए हैं।
खबर सीतापुर से है, जहां पे 8 साल की मासूम के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई है और गांव के ही युवक पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। बच्ची की चीख पुकार सुनकर के लोग वहां पर पहुंचे। भाई के पहुंचने से पहले ही आरोपी फरार हो गया। पीड़िता के पिता के तहरीर पर अब मुकदमा दर्ज करके आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। दो समुदायों से जुड़ा हुआ ही ये मामला बताया जा रहा है। तो आगरा में ऊंट तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 13 ऊंट समेत 6 लोग हिरासत में लिए गए हैं। यूपी बॉर्डर से ऊंट लेकर हरियाणा में इसकी तस्करी होती थी। थाना सिकंदरा पुलिस ने ये ऊंट तस्कर पकड़े हैं। बड़ी खबर है, 13 ऊंट समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आगरा में 13 ऊंट पकड़े गए हैं और ये ऊंट की तस्करी करते थे। 13 ऊंट 6 लोग पुलिस की हिरासत में फिलहाल हैं। हरियाणा में आपको बता दें कि ऊंट की तस्करी को किया जाता था। पुलिस ने इन तस्करों को पकड़ा है और अब इन पर आगे की कार्रवाई की जा रही है, पूछताछ भी हो रही है। 13 ऊंट बरामद हुए हैं इन तस्करों के पास से, ये जानकारी भी सामने आ रही है। इस सिलसिले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उधर सहारनपुर में मामूली से विवाद में 2 पक्षों में मारपीट और पथराव हुआ है। मारपीट के बाद दोनों पक्ष की ओर से पथराव किया गया है। इस घटना के दौरान फायरिंग की भी सूचना मिली है। घटना के बाद से गांव में पुलिस फोर्स तैनात है। सूचना के बाद पुलिस बल के साथ उच्च अधिकारी भी पहुंचे हैं और पुलिस ने दोनों पक्षों के कई लोगों को हिरासत में लिया है। थाना देवबंद इलाके के साखन कला गांव का यह मामला बताया जा रहा है। उधर सीतापुर में पति के साथ मिलकर प्रेमिका ने प्रेमी की हत्या कर दी और प्रेमी की हत्या करके युवक का शव खेत में गाड़ दिया। युवक के परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और पुलिस पड़ताल में प्रेम संबंध की बात खुली। पुलिस ने प्रेमिका और उसके पति को हिरासत में लिया है। प्रेमिका ने युवक की हत्या की बात भी कबूल कर ली है और खेत से मृतक का शव भी पुलिस ने बरामद किया। तो आजादी के बाद से अब तक गोंडा के ग्राम पंचायत दुर्जनपुर के ग्राम शेरापुर में बिजली का काम ना होने के चलते ग्रामीणों ने विरोध किया है। अंधेरे का दंश झेल रहे आक्रोशित ग्रामीणों ने उजाले के लिए धरना प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों की दुश्वारियों को देखते हुए उच्च न्यायालय के अधिवक्ता की ओर से लंबे समय से विभाग और ऊर्जा मंत्री से गांव में विद्युतीकरण का कार्य पूरा करवाए जाने के लिए डाक के माध्यम से पत्र भेजा गया, लेकिन पत्रों का बिना कार्य कराए ही निस्तारण भी हो गया। अब गांव में विद्युतीकरण का कार्य कराने वाली संस्था की लापरवाही और विभागीय कार्यशैली से नाराज ग्रामीणों ने अधिवक्ता गणेश नाथ मिश्रा के द्वारा गांव में अंधेरे को दूर करने के लिए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।